कोटा के नवीन अस्पताल में आगामी बजट को लेकर कई सौगातें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसमें अस्पताल में नवनिर्मित वार्डों के लिए स्टाफ, मल्टी स्टोरी पार्किंग और कॉटेज वार्ड के लिए बजट मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही नवीन अस्पताल में जिस गति से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के निर्माण की भी आवश्यकता है। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आरपी मीणा ने कहा कि इस संबंध में उच्च अधिकारियों के समक्ष सभी पॉइंट रखे गए हैं और उम्मीद है कि इस बजट में नवीन अस्पताल को काफी कुछ मिलेगा। नवीन चिकित्सालय में वैसे अस्पताल अच्छा चल रहा है, फिर भी हमारी डिमांड है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये 270 बेड का उद्घाटन कर चुके हैं ऊपर सेकेंड फ्लोर पर, तो उसका हम चाहेंगे कि इसको सुचारू रूप से चालू करने के लिए स्टाफ मिल जाए हमारे को। यहाँ पे अस्पताल में एक मल्टी स्टोरी पार्किंग की काफ़ी ज़रूरत पड़ रही है, तो वो भी हमने रखा है। एक यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है उसका भी हमने रखा है कि यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, क्योंकि नंबर ऑफ बेड्स बढ़ रहे हैं अस्पताल में, कर्मचारी बढ़ रहे हैं, तो एक अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हो। साथ में ये जो कॉटेज वार्ड हैं इस अस्पताल में भी नहीं है, तो उसका भी हमारे को उम्मीद है